जी बताइए। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो पागल बाबा के सामने लाइन लगा के होटल हैं, ये कोई बिल तो देते नहीं है, और इन्होंने कल एक पार्टी थी, 15-16 लोग थे, उन्होंने भोजन किया है वहाँ, उसके बाद उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो क्या इनकी सैंपलिंग नहीं होती है क्या कभी? नहीं नहीं सैंपलिंग कभी कैसे होती है? तो सर इस समय गुरु पूर्णिमा का वो चल रहा है, खाने के तमाम होटल खुले हुए हैं। वो बात सही है, हमारी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, हमें पहले ये देखना, और वहाँ पे ऐसा नहीं सैंपलिंग नहीं होती है जी। और जैसे यहाँ से मिलेगा उन्हें फिर करेंगे, सब पे चेकिंग होती है दुनिया का, वहीं पर फेड़ा वेड़ा मुश्किल से आपको ही पता होगा सदर बिल्कुल आप लोगों ने निकाला और उसको ठोंक के पीट के, अब चूंकि गोवर्धन का बहुत बड़ा दबाव है हमारे पे है ना जी, जी। तो यहाँ भी पकड़ रहे हैं, आज भी नष्ट कराया हमने 3-4। सर जो ये घटना आज हुई है, क्या इसमें इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई विभाग की तरफ से होगी? नहीं विभाग की तरफ अगर वो सेम, चूंकि हम लोग यहाँ पे एंगेज हम, किस तरह की फूड पॉइजन हुई मेरे संज्ञान में तो है नहीं वहाँ पे। सर 14 लोग भर्ती हुए हैं सोसैया हॉस्पिटल, की बात है जी, बिल की बात है, तो भाई पब्लिक जो खाती है वो बिल मांगे उनसे, हम लोग ये भी आपने सही हमें संज्ञान में ला दिया, हम लोगों से कहेंगे कि बिल दीजिए भाई। नहीं जब सर जब उस होटल वाले से ये कहा गया कि आपके यहाँ खाना खाया है और उनकी तबीयत खराब है, तो वो कहता है हमने बताओ हमने कहाँ बिल दिया है, तो हमने कहा बिल देते हैं क्या? ऐसा भी थोड़ा मैं बिजी हूँ भैया, आप समझ रहे हैं यहाँ का है ना मुड़िया का बहुत बड़ा, उसका नाम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, उसे मैं बता दूंगा की बिल कैसे दिया जाएगा, यहाँ से फुर्सत होके जैसे ही लगेगा ना तो उन्हें सही करेंगे हम, है ना। मैं हूँ योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। जैसा कि वृंदावन में इस समय टूरिस्टों का, श्रद्धालुओं का आना जाना हो रहा है, उसको देखते हुए यहाँ बहुत सारे होटल खुले हुए हैं, जहाँ सड़ा गला माल भी उनको श्रद्धालुओं को बेच दिया जाता है, रखा हुआ बासी माल भी खिला दिया जाता है। फूड विभाग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे देखें और उस पर कार्रवाई करें, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं वृंदावन में नकली पेड़ों का कारोबार, खोए का कारोबार, और फिर अब आज की घटना ये हुई है कि सौसैया अस्पताल में, यहाँ एक होटल में, जैसा कि बताया गया है कि वहाँ लोगों ने खाना खाया और उसके बाद उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। हम हैं इस समय पागल बाबा मंदिर के ठीक सामने, एक होटल है, और आइए मिलते हैं होटल मालिक से और जानते हैं कि ये श्रद्धालु जो बता रहे हैं वो कहाँ तक बात सही है। बता रहे शिकायत कर रहे खाने के लिए कि बोले खाना खराब मिला हमको, ये हुआ फूड पॉइजन हो गई जी। ये लोग बंगल वृंदावन मांगे बिहारी के मंदिर गए, अंग्रेज मंदिर गए, वहाँ क्या खा के आए जी, इन्होंने बाहर क्या खाया उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया किसी को, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। आपके होटल का नाम क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं भाजा, उससे पहले आदमी 11 बजे ही खाना खा रहा है तो भूखा नहीं रहेगा, वहाँ चाट पकौड़ी है, लस्सी। एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि फूड विभाग यहाँ जैसे काम कर रहा है, तो कभी आपके यहाँ भी आते हैं वो लोग? बिल्कुल भाई साहब, सब लाइसेंस वगैरह दिए, सारे काम करते हैं। अच्छा लाइसेंस भी आपको दे रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लीजिए, ये मालिक का कहना है कि लाइसेंस भी ले रखा है और फूड विभाग आए दिन यहाँ जाँच भी करता है। अब ये तो जाँच का विषय है कि उन लोगों को फूड पॉइजनिंग किन कारणों से हुई, ये खाद्य अधिकारी ही बता पाएंगे। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए योगेश शर्मा। जब यहाँ मरीज भर्ती हुए हैं, कौन भर्ती हुआ है आपका अस्पताल में? भाई है, बच्चे हैं। क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी हुई है इन सभी को? हमने रात को खाना खाया था तो भोजनालय में, उसके बाद रात को तो उन लोगों को रात को प्रॉब्लम हो गई, उसको सुबह से क्या प्रॉब्लम हुई थी? उल्टी किसी वजह से। मतलब क्या खाने की वजह से लग रहा है आपको, किस वजह से लग रहा है? खाने की वजह से। कितने लोग हैं? ढाबे पे क्या खाना लिया था आपने? दाल ली थी, रायता, रोटी। कितने लोग हैं? फूड पॉइजनिंग लग रही है आपको? कितने लोग हैं लोकल? टोटल 16 लोग हैं, लेकिन 3-4 अभी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबको तो ज्यादा दिक्कत है। आपने होटल वाले से कहा कि तबीयत खराब हो रही है हम लोगों की? नहीं अभी तो हम गए थे, बंद था, अभी जाएंगे थोड़ी देर में, बात करेंगे। यहाँ कहाँ ठहरे हुए आप लोग? यहाँ पर क्या है? चावल बिरयानी। चावल बिरयानी, ये कब के उबाले हुए हैं चावल? हाँ सुबह 9 बजे के। अब कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहा है। अच्छा ये खराब तो नहीं होते हैं? चलिए ये देखिए,
अच्छा डॉक्टर शशि रंजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वृंदावन। यहाँ कुछ मरीज अभी भर्ती हुए थे जैसा कि सुनने में आया है, उल्टी दस्त और वो हो रहे थे, फूड पॉइजनिंग की शिकायत बताइए, आप क्या कहेंगे? देखिए हमारे पास मॉर्निंग के सुबह के 7:30 बजे कुछ लोग उल्टी दस्त और पेट में दर्द की कंप्लेन के साथ आए। टोटल नंबर 14 के करीब था, जिसमें 7 महिला, 6 पुरुष और 1.5 ईयर का बच्चा था। इन सबों का सेम कंप्लेन था, उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रही है। प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि कुछ ना कुछ विषाक्त पदार्थ खाने के कारण से, कुछ विषाक्त भोजन खाने के कारण से इनको ये समस्या उत्पन्न हुई है। हमने सभी मरीज को एडमिट किया, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है उनको स्टे कराया और जो ट्रीटमेंट थी वो ट्रीटमेंट दी गई। अभी 12:30 के करीब में सभी मरीज जो है यहाँ से चले गए। हम लोगों ने उनसे हम्बल रिक्वेस्ट भी किया था कि आप रुके, प्रॉपर इलाज लें, उसके बाद अस्पताल से जाएं। हमारी जो नैतिक जिम्मेवारी है आपको सही इलाज देने की, वो हम देने की प्रयास करें। क्या लगता है आपको, फूड पॉइजनिंग हुई होगी? हो सकती है जी। जब तक ये जाँचें नहीं हो जाती सारी सैंपलिंग की, तब तक तो कहना मुश्किल है। हो सकता है, प्रथम दृष्टिया तो ऐसा ही लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग है।